हेलो बच्चों, तो आज अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि आपका इसमें कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल नंबर होगा। सबसे पहले बात की जाए, पहला क्या दिया हुआ, 2 - √5। तो 2 क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है। -√5 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। रेशनल माइनस इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट 3 + √23 - √23 ब्रैकेट ओपन कर दें, ये क्या हो जाएगा, 3 + √23 - √23 + √23 and - √23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचा आपका, 3। और 3 क्या है, 3 इज अ रेशनल नंबर। देखो अगला क्या दिया हुआ है, 2 √7 / √7। तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा, 2/7। ये p by q फॉर्म में है और बोथ आर इंटीजर, और तो ये क्या हो जाएगा, ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट 1/√2, तो 1/√2 क्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर। एंड 2π इज एन इरेशनल नंबर, तो 2π भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इज 3 + √3 * 2 + √2। तो आप ब्रैकेट ओपन कर दो, पहले 3 का मल्टीप्लाई सभी में हो गया, तो 3 * 2 कितना हो गया, 6 प्लस 3 * √2, तो 3 √2 प्लस √3 * 2 = √3 प्लस √3 * √2 कितना हो जाएगा, √6। सेकेंड 3 + √3 * 3 - √3, तो आप देखोगे ये क्या आ गया, a + b * a - b फॉर्म है। a + b * a - b क्या होता है, a² - b², तो ये क्या हो जाएगा, 3² - √3², तो 3² = 9 - √3² = 3, आंसर कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट √5 + √2² तो ये क्या हो गया, a + b² a + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा √5² + √2² + 2 * √5 * √2। इसे हम यदि सॉल्व करेंगे तो √5² = 5 √2² = 2 + 2 √10, और ये हो गया आंसर 7 + 2 √10। नेक्स्ट √5 - √2 * √5 + √2, तो ये अगेन आपका a + b * a - b का फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², तो ये हो गया √5² - √2² √5² = 5 - 2, आंसर इज 7। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो यहां पर एक्चुअली कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p / q, और जहां पर p और q बोथ आर इंटीजर्स। लेकिन यहां जो c हमारी सर्कमफेरेंस है, d और डायमीटर है, जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को ले लेते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका रेशनल नंबर आए, वो हमारे इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि c और d हमेशा आपके इंटीजर्स हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, वो हम लोग लेक्चर में आपको बता चुके हूं कि किस अकॉर्डिंग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू रेशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपका, तो फर्स्ट इज 1/√7,
तो 1 अपॉन रूट 7 को हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो रूट 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 7 से डिवाइड करेंगे। तो 1 इंटू रूट 7 कितना हो गया, रूट 7, और रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट। देखो सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। इसे कैसे रेशनलाइज किया जाए, तो हम क्या करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई किया और रूट 7 प्लस रूट 6 से डिवाइड किया। जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, और ये क्या आ जाएगा हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। क्या हुआ ये, तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज 1, तो आंसर इज रूट 7 प्लस रूट 6। नेक्स्ट थर्ड, देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। रेशनलाइज करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और रूट 5 माइनस रूट 2 से डिवाइड कर दिया। प्लस है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर डेट इज रूट 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 स्क्वायर 5 माइनस 2, ये हो गया रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। नाउ फोर्थ, फोर्थ हमारा क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ इज 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, तो रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 7 प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, तो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन। इस तरीके से हम रेशनलाइजेशन करते हैं।